राम राम जी आप सबको। आपका अपने चैनल पर स्वागत है। आज मैं ये पत्ती वाला डिजाइन है ये बना के दिखाऊंगी आपको। आप इसको बच्चे के कार्डिगन में भी डाल सकते हो, लेडीज़ कार्डिगन में भी, जैकेट में भी, टॉप में भी, कहीं भी डाल लो, सारी जगह अच्छा लगेगा ये डिजाइन। अब जो बॉर्डर बना के यहाँ था, पहली सिलाई बना था, पहली सिलाई तो बना के दिखाऊंगी आपको। पहले दोनों कोने पर एक एक फंदा हमें सीधा कर लेंगे, फिर आगे ये डिजाइन के हैं दो फंदे उल्टे, ये एक कोने वाला छोड़ के दो उल्टे पीछे धागा करके, अब चार फंदे के हमने दो फंदे बनाने हैं। ये फंदा हम यूँ पलट लेंगे, पहले वाला पीछे की साइड तक दो का एक कर देंगे, फिर आगे की साइड तक दो का एक कर देंगे। चार फंदे के हमने दो फंदे बना दिए, चार थे ये, दो फंदे बना दिए, फिर आगे दो फंदे उल्टे पीछे धागा करके, अब एक फंदे के हमने चार बनाने हैं। यहाँ तो हमने चार के दो बना दिए, दो फंदे कम हो गए, अब यहाँ हम एक फंदे के चार बनावांगे। दो फंदे यहाँ कम हो गए, हमने यहाँ चार बना लिए तो तीन फंदे बढ़ गए। यहाँ हमने घटाए दो हैं, बढ़ा देंगे तीन फंदे, जो एक फंदा ज़्यादा होगा वो हम आगे घटा देंगे फिर उसको। अब देखो दो फंदे उल्टे, चार फंदे के दो बना दिए, फिर दो फंदे उल्टे, फिर एक फंदे के हम चार बना देंगे। एक फंदा बना दिया, अभी निकालना नहीं है, ये अपनी तरफ धागा करके एक जाली बना देंगे, जाली मतलब फंदा। ऐसे देखो दो और एक तीन, और एक चौथा फंदा हम पीछे की साइड तक बना देंगे यूँ। अब एक फंदा यहाँ बढ़ गया तो फंदे हमारे कितने हो गए, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस, दस फंदे हो गए। एक बढ़ रहा है ये घटाना हमने, डिजाइन हमारा नौ का है, ये नौ फंदे हैं, एक तो ये बड़ा हुआ ये घटाना हमने, नौ फंदे का एक डिजाइन बनेगा। अब आगे दूसरा डिजाइन, अपनी तरफ धागा करके दो फंदे उल्टे पीछे धागा करके, अब चार फंदे के हमने दो बनाने हैं। एक तो हमने इस तरफ यूँ पलट के फंदा पीछे की साइड दो का एक कर देना है, और दो फंदे हमने ये आगे की साइड दो का एक कर देना है। अब ये दो फंदे हो गए, दो गट गए यहाँ, अपनी तरफ धागा करके फिर दो फंदे उल्टे फिर पीछे धागा करके, एक फंदे के हमने चार फंदे बनाने हैं। यहाँ फिर हमारा एक फंदा फिर बढ़ जाएगा, दो घटा दिए, हम एक के तीन बनावेंगे तो हमारे दो बढ़ जाएंगे, हमने एक के चार बनाने हैं। एक जाली बना के दो और एक ये फंदा तीन, और एक फंदा पीछे की साइड से चार, फिर आगे दो फंदे उल्टे फिर पीछे धागा करके, अब ये अगला डिजाइन हो गया, दो फंदे उल्टे चार फंदे के हमने दो बनाने हैं। ये हम पलट यूँ रहे हैं फंदा ताकि ये चैन बनी हुई अच्छी लगे हमारी, दो का एक और फिर दो का एक आगे की साइड से यूँ करके, फिर अपनी तरफ धागा करके दो फंदे उल्टे पीछे धागा करके, एक फंदे के हमने चार फंदे बनाने हैं। एक एक जाली बना के दो तीन, और एक फंदा हमें पीछे की साइड से चार। अब जहाँ चार चार फंदे बनाए एक फंदे के, वहाँ एक एक फंदा बढ़ गया हमारा, दो फंदे उल्टे पीछे धागा करके एक फंदा सीधा। देखो अब आ गई दूसरी सिलाई, उल्टी सिलाई, एक फंदा सीधा हो गया ये पीछे धागा करके, जो दो दो फंदे उल्टे बना रखे हमने वो सीधे बना देंगे। और अब ये एक फंदे के चार फंदे बनाए थे, चार फंदे आ गए, दो तीन चार पीछे धागा करके, फिर दो फंदे सीधे, फिर दो फंदे उल्टे, जो चार फंदे के दो बनाए थे फिर पीछे धागा करके दो फंदे सीधे। अब जो फंदे जिस तरह दिखाई दे रहे हैं हम यूँ बना देंगे दूसरी सिलाई में, फिर चार फंदे उल्टे, फिर दो फंदे सीधे, फिर दो फंदे उल्टे, फिर दो फंदे सीधे, आगे फिर चार फंदे उल्टे, एक दो तीन चार पीछे धागा करके, एक दो, दो फंदे उल्टे, फिर एक दो, दो उल्टे, दो सीधे दो उल्टे, फिर दो फंदे सीधे एक फंदा उल्टा। अब आ गई
तीसरी सिलाई सीधी सिलाई, दो फंदे उल्टे पीछे धागा करके। अब जो चार फंदे के हमने दो बनाए थे, अब दो का हमें जो एक फंदे के चार बनाए थे वहाँ एक बढ़ रहा है हमारा, अब यहाँ घटाना हमने वो, पहले भी हमने दो फंदे यहाँ घटाए थे, चार के दो बना दिए थे, अब दो का एक करना हमने यूँ। अब ये फंदा एक घट गया हमारा, अपनी तरफ धागा करके दो फंदे उल्टे फिर पीछे धागा करके, ये एक के चार बनाए थे इनको हम सीधा बना देंगे। अब ये तीसरी सिलाई है सीधी सिलाई है। अब देखो दो उल्टे एक सीधा, दो का एक कर दिया, फिर दो उल्टे फिर चार सीधे, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ। अब ये नौ फंदे रह गए हमारे, जो बढ़ा हुआ था वो घटा दिया हमने। ये पत्ती हमारी बंद हो रही है, ये पत्ती हमारी चालू हो रही है। फिर आगे अगला डिजाइन, दो फंदे उल्टे पीछे धागा करके, ये फंदा यूँ करके आगे की साइड दो का एक कर देंगे, ये बंद कर दी पत्ती, चार फंदे की पत्ती है ये, पीछे धागा करके। अब ये जो एक के चार बनाए थे, चार फंदे सीधे हो गए, देखो ये आधी पत्ती आ गई, ये पूरी पत्ती होगी। फिर दो फंदे उल्टे पीछे धागा करके, फिर आगे की साइड से दो का एक, फिर दो उल्टे पीछे धागा करके, चार फंदे सीधे, फिर दो उल्टे, कोने वाला फंदा सीधा। अब आ गई चौथी सिलाई उल्टी सिलाई। अब चौथी सिलाई में हमने किस तरह बनाना है, दो फंदे सीधे चार फंदे उल्टे पीछे धागा करके, दो फंदे सीधे फिर एक फंदा उल्टा। अब ये नौ फंदे हो गए, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, दो फंदे सीधे चार फंदे उल्टे, दो सीधे एक उल्टा, दो फंदे फिर सीधे। ये पता चल रहा है जौन सा फंदा जिस तरह बनाना हमने दिखाई दे रहे हैं ये, फिर चार फंदे उल्टे फिर पीछे धागा करके, दो फंदे सीधे फिर चार फंदे एक फंदा उल्टा, दो फंदे सीधे फिर चार उल्टे फिर दो फंदे सीधे एक फंदा उल्टा फिर दो सीधे और कोने वाला उल्टा। अब ये चार सिलाई होगी। अब आ गई पाँचवीं सिलाई सीधी सिलाई। अब पाँचवीं सिलाई में हमने देखो किस तरह बनाना, फिर दो फंदे उल्टे पीछे धागा करके। अब जो पहली सिलाई बनाई थी हमने, अब वही सिलाई फिर आ गई हमारी पाँचवीं सिलाई। अब देखो एक फंदा ही है, इसके तो हमने बनाने हैं चार फंदे, और जो ये चार फंदे इनके हमने दो फंदे बनाने हैं। एक बार ये डिब्बी बनेगी खुलेगी, एक बार ये बंद होगी, एक बार ये बंद होगी, एक बार ये बंद होगी, चार चार सिलाई के बाद। अब देखो पाँचवीं सिलाई आ गई, एक फंदे के हमने चार बनाने हैं, एक अपनी तरफ धागा करके, दो तीन और एक फंदा पीछे की साइड से चार, एक फंदे के चार बना दिए, अपनी तरफ धागा करके दो फंदे उल्टे फिर पीछे धागा करके। अब ये चार फंदे हैं, इनके हमने दो फंदे बनाने हैं, ये फंदा हम यूँ पलट लेंगे, यहाँ चार बढ़ा दिए, यहाँ फंदे यहाँ तीन बढ़ा दिए, एक के चार बनाए हैं और यहाँ हमने दो घटा दिए। जो एक फंदा यहाँ बढ़ रहा है वो फंदा हम आगे इसी जगह बढ़ाया यहाँ है घटावा हम यहाँ गए। अब दस फंदे हो गए, ये नौ फंदे का डिजाइन है, एक यहाँ बढ़ रहा है तो इस जगह घटाना हमने, जैसे यहाँ बढ़ा दिए यहाँ घटा रहे हैं, दो फंदे घटा दिए। अब फिर आगे अगला डिजाइन, दो फंदे उल्टे पीछे धागा करके, एक फंदे के हमने चार बनाने हैं, एक अपनी तरफ धागा करके, दो तीन और एक फंदा पीछे की साइड से चार, एक फंदा यहाँ बढ़ गया हमारा। फिर दो फंदे उल्टे पीछे धागा करके, अब जो ये चार फंदे हैं इनको हम दो फंदे घटाने हैं, पीछे की साइड से दो का एक कर देंगे और इन दो का आगे की साइड से कर देंगे। फिर दो फंदे उल्टे पीछे धागा करके, एक फंदे के चार बना देंगे, एक जाली बना के, दो तीन और एक फंदा पीछे की साइड चार,
फिर दो फंदे उल्टे पीछे धागा करके चार फंदे के हमने दो फंदे बनाने हैं। ये हमने पूरा नौ फंदे का, जैसे एक घटा दी, एक में घटा दी, एक में बढ़ा दिए, ये पूरा सेट बनाना हमने, बने भी पूरा सेट का। ये एक बार ये वाला घटेगा, एक बार ये घटेगा, एक बार ये घटेगा, एक बार ये घटेगा, एक बार इसमें बढ़ेगा, एक बार इसमें, इस तरह बनेगा पूरी कोटी में। दो फंदे उल्टे पीछे धागा करके एक फंदा सीधा। अब सारी जगह जहाँ जहाँ बढ़ रहे हैं, चार बटन बनाए हैं एक फंदे के, एक एक फंदा ज़्यादा है वहाँ। अब आ गई ये पाँचवीं सिलाई थी, अब आ गई छठी सिलाई। दो फंदे सीधे अपनी तरफ धागा करके एक, दो फंदे उल्टे, फिर दो फंदे सीधे, फिर चार फंदे उल्टे, एक दो तीन चार, फिर दो फंदे सीधे, फिर दो फंदे उल्टे, फिर आ गया दो फंदे सीधे, फिर आगे एक दो तीन चार उल्टे, दो सीधे, फिर एक फंदा उल्टा, फिर एक उल्टा नहीं सॉरी दो उल्टे, एक दो, दो सीधे, फिर चार उल्टे, एक दो तीन चार, फिर दो फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा। छह सिलाई होगी। अब आ गई सातवीं सिलाई। अब सातवीं सिलाई में हमने देखो दिखण लग गया, फिर जो फंदा एक एक बढ़ रहा है वो घटाना हमने। दो फंदे उल्टे पीछे धागा करके, अब ये चार फंदे सीधे, एक दो तीन चार, फिर दो फंदे उल्टे और एक फंदा हमने ये पत्ती बंद कर रहे हैं, यहाँ घटाना है दो का एक, दो उल्टे चार सीधे, दो उल्टे एक दो का एक। अब ये नौ फंदे हो गए, यही नौ फंदे आगे बनेंगे पूरी सिलाई में। दो फंदे उल्टे पीछे धागा करके चार फंदे सीधे, फिर दो फंदे उल्टे, फिर पीछे धागा करके आगे की साइड दो का एक। अब पूरे हो गए जितने फंदे थे हमारे बड़े हुए, वो घटा दिए हमने सारी जगह। चार फंदे सीधे, फिर दो फंदे उल्टे, फिर दो का एक आगे की साइड से, फिर दो फंदे उल्टे और एक फंदा सीधा। अब ये सातवीं सिलाई होगी। अब आ गई आठवीं सिलाई। अब आठवीं सिलाई में भी फिर हमने जो फंदे हमने जिस तरह दिखाई दे रहे हैं यूं ही बना देंगे। दो फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा, फिर दो सीधे और चार फंदे उल्टे। अब दो सीधे एक उल्टा, दो सीधे चार उल्टे, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, यही नौ फंदे हमने पूरी सिलाई में बढ़ाने हैं। दो सीधे एक उल्टा, दो फंदे सीधे, फिर चार उल्टे, फिर दो फंदे सीधे। अगर आपको मेरा डिजाइन पसंद आए और बताने का तरीका पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। दो सीधे और ये कोने वाला सीधा उल्टा, जिस तरह भी आपने बनाना है यूँ बना लेना। अब ये आठ सिलाई होगी और यही आठ आठ सिलाई हमने बार बार बनानी है तो ऐसा डिजाइन बनेगा। ये देखो पत्ती ही बनी हुई है गोल गोल सी। अब देखो एक बार फिर मैं यही डिजाइन पहली सिलाई तक बना कर दिखा दूँ। नौ नौ फंदे का बनेगा ये डिजाइन। दोनों कोने पे एक एक फंदा, डिजाइन तो अलग है। दो फंदे उल्टे पीछे धागा करके, अब चार फंदे के हमने दो बनाने हैं, यूँ पलट लेंगे पहला फंदा, पीछे की साइड दो का एक, फिर आगे की साइड दो फंदे का एक कर देंगे। अब ये चार फंदे के हमने दो फंदे बना दिए, दो फंदे घटा दिए यहाँ, फिर दो फंदे उल्टे, फिर पीछे धागा करके, अब एक फंदे के हमने चार फंदे बनाने हैं इस जगह, घटाए हमने दो हैं,
बढ़ा देंगे हम तीन फंदे, यहाँ एक के चार बनाओगे तो तीन बढ़ गए, जो फिर एक बड़ा फंदा है वो फंदा हमें अगली सिलाई में यहाँ घटा देंगे, तीसरी सिलाई में जो चार के दो बनाए हैं फिर दो का एक कर देंगे यहाँ। अब चार फंदे बनाने हैं एक के, एक जाली बना के दो तीन और एक फंदा पीछे की साइड से चार, एक फंदे के चार बना दिए। अब यही नौ फंदे बनाने हैं हमने पूरी सिलाई में। अब एक फंदा बढ़ रहा है यहाँ, यहाँ घटा देंगे हम, दस फंदे हो रहे हैं ये, नौ नौ रखने हमने, हैं फंदे हमारे नौ ही। अब ये पूरी सिलाई इस तरह उतारनी है, दो फंदे उल्टे पीछे धागा करके चार फंदे के हम दो बना देंगे, दो का एक आगे की साइड, दो का एक, दो के चार बना, चार के दो बना दिए। अब दो उल्टे, अब एक के हम चार बना देंगे, एक एक जाली बना के दो तीन, एक पीछे की साइड से चार। अगर आपने बड़ी बनानी है ये पत्ती तो आप एक के छह भी बना सको, छह फंदे जैसे यहाँ चार थे तो बड़ी बनाने में यहाँ छह रखने पड़ेंगे और एक के हमने यहाँ छह करने पड़ेंगे, छोटा बड़ा इसको कर सको हो आप। दो का एक, फिर दो का एक, दो फंदे उल्टे, अब एक फंदे के हम चार बना देंगे, एक एक जाली बना के दो तीन और एक फंदा पीछे की साइड से चार। पहली सिलाई हमारी इस तरह उतरेगी।